वेलकम टू सोशल नेटवर्क। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के टॉप 10 इमोशनल ड्रामा सीरियल के बारे में, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल होने वाले हैं। टॉप 10 पर है ड्रामा सीरियल जिसका नाम है गाटा, जो कि अभी भी आप लोगों को जियो एंटरटेनमेंट पर देखने को मिल रहा है। ड्रामा सीरियल की अभी तक तकरीबन 59 एपिसोड जारी कर दी गई हैं। ड्रामा सीरियल में अदील चौधरी, मोमना इकबाल और मिर्ज़ा जैन बे की केमिस्ट्री आप लोगों को दिखाई गई है। ये एक सोप सीरियल है जो कि 9 बजे आप लोगों को हर रोज़ाना जियो एंटरटेनमेंट पर देखने को मिलता है, जिसे आबदा अहमद ने लिखा है और असद जब्बाल ने इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया है। और ये एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल है जो कि आप जियो एंटरटेनमेंट पर जाकर देख सकते हैं। 9वें नंबर पर है ड्रामा सीरियल जिसका नाम है राय जुनून, जो कि हम टीवी का ड्रामा सीरियल है, जिसे रेहाना आफ्ताब ने लिखा है। सैयद अहमद कमरान ने इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया। ड्रामा सीरियल में दानिश तैमूर और कोमल मीर की लव स्टोरी आप लोगों को दिखाई जा रही है। ये भी एक इमोशनल ड्रामा सीरियल है जो कि हम टीवी की तरफ से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ड्रामा सीरियल की अभी तक तकरीबन 17 एपिसोड जियो एंटरटेनमेंट पर नशर कर दी गई हैं। ड्रामा सीरियल एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल है जो कि आप लोग हम टीवी पर जाकर देख सकते हैं। इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 8वें नंबर पर है ड्रामा सीरियल जिसका नाम है अदावत, जो कि अभी रिसेंटली एक दो वीक्स पहले ही क्लोज हुआ है। ड्रामा सीरियल एयर बाय डिजिटल का ड्रामा सीरियल था, जो कि एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल था, जो कि पाकिस्तान के अलावा काफ़ी सारे कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। ये ड्रामा सीरियल भी एक सोप सीरियल था जो कि 7 PM के स्लॉट पर हर रोज़ाना एयर बाय डिजिटल पर आप लोगों को देखने को मिलता था। ड्रामा सीरियल में शजीज शोकल, सैयद जिब्रान, फातिमा अफंदी और साद कुरैशी की मैन को स्टोरी आप लोगों को दिखाई गई थी। और ये भी एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल है जो कि आप लोग अभी भी चाहें इस ड्रामा सीरियल को देख सकते हैं, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। 7वें नंबर पर है ड्रामा सीरियल जिसका नाम है शिद्दत, जो कि जियो एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल है, जिसमें आप लोगों को मुनीब भट्ट और अनमोल बलोच की केमिस्ट्री दिखाई जा रही है। और ये अभी भी ड्रामा सीरियल जियो एंटरटेनमेंट पर जारी है। ड्रामा सीरियल को जंजीबल आसम शाह ने लिखा है। सैयद अहमद ने इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया है। ड्रामा सीरियल की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये भी एक इमोशनल ड्रामा सीरियल है जो कि अभी भी जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किया जाए। 8 नंबर पर है ड्रामा सीरियल जिसका नाम है जाने जहान, जो कि अभी भी एयर बाय डिजिटल पर जारी है। ड्रामा सीरियल को लिखा है रिदा बिलाल ने, कासिम अली मुरीद ने इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया है। ड्रामा सीरियल में हमजा अली बासी और आयजा खान की मैन केमिस्ट्री आप लोगों को दिखाई जा रही है। ड्रामा सीरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल है। सियासत से रिलेटेड इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और अभी भी जाकर आप लोग ये ड्रामा सीरियल देख सकते हैं, क्योंकि ये ड्रामा सीरियल एक बेहतरीन। 5वें नंबर पर है फिरोज़ खान का ड्रामा सीरियल जिसका नाम है खुमार, जो कि जियो एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल है, जिसकी अभी तक तकरीबन 31 एपिसोड जियो एंटरटेनमेंट पर नशर कर दी गई हैं। और तकरीबन ये ड्रामा सीरियल ख़त्म ही होने वाला है, कोई टोटल इसकी 7 से 8 एपिसोड रह गए हैं, इसके बाद ये ड्रामा सीरियल क्लोज हो जाएगा। ड्रामा सीरियल में फिरोज़ खान के साथ नीलम मुनीर मैन करदार निभा रही हैं। ड्रामा सीरियल को माह मलिक ने लिखा था, अली फैजान ने डायरेक्ट किया था। 7 Sky एंटरटेनमेंट के बैनर तले ये ड्रामा सीरियल बना था और ये एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल है, जिसकी तकरीबन 31 एपिसोड जारी कर दी गई हैं। और तकरीबन अब इस ड्रामा सीरियल की थोड़ी सी एपिसोड रह गई हैं, हमारे अंदाजे के मुताबिक इस ड्रामा सीरियल की अब टोटल जो हैं वो 7 या 8 एपिसोड रह गई हैं। 4वें नंबर पर है दोस्तों ड्रामा सीरियल जिसका नाम है अब्दुल्ला देव का देवदास, जो कि अभी रिसेंटली ये ड्रामा सीरियल आया है, जो कि जी जिंदगी पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ड्रामा सीरियल की टोटल अभी जो है वो 5 एपिसोड नशर कर दी गई हैं, लेकिन अभी जी जिंदगी पर ये ड्रामा सीरियल नशर किया जा रहा है, जिसकी अभी तक जो है तकरीबन 2-1 एपिसोड आई हैं। वैसे इसकी 5 एपिसोड जो हैं इंडिया वाले चैनल जी जिंदगी पर नशर कर दी गई हैं। तो दोस्तों इस ड्रामा सीरियल में आप लोगों को बिलाल अब्बास खान और सारा खान की केमिस्ट्री दिखाई जा रही है। और इस ड्रामा सीरियल को शायद दोगर ने लिखा है, अंजुम शायद ने शहजाद ने इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया। ये एक मिनी सीरीज़ है जो कि बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाएगी और ये एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। तो दोस्तों 2रे नंबर पर है ड्रामा सीरियल जो कि एक पुराना ड्रामा सीरियल है, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा भी ड्रामा सीरियल है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी। और ये ड्रामा सीरियल अपने वक्त का बहुत ही बड़ा ड्रामा सीरियल था, जिसका नाम है प्यारे अफजल, जिसमें आप लोगों को देखने को मिले थे हमजा अली बासी और आयजा खान। ड्रामा सीरियल की काफ़ी अच्छी जो है वो स्टोरी थी और ये ड्रामा सीरियल 2013 और 2014 में एयर बाय डिजिटल की तरफ से नशर किया गया था। और ये एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल था, जो कि अभी भी आप लोग जाकर देखें, ये काफ़ी अच्छा ड्रामा सीरियल था। 1 पर है ड्रामा सीरियल जो कि अभी भी नशर किया जा रहा है, जिसका नाम है इश्क मुर्शद, जिसमें बिलाल अब्बास खान और दुराफ़िशा सलीम की केमिस्ट्री दिखाई जा रही है। तो दोस्तों ये थे वो 10 इमोशनल ड्रामा सीरियल जो कि एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल हैं, जो कि अभी भी जाकर आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें।